हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में क्लास टेंथ के सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था SCF और SCF फाइंड आउट करना किस मेथड से। बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, हम लोगों ने SCF निकाला था पूरे उस लेक्चर में। आज हम उसी के आगे जो एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है ना, एक्सरसाइज कौन सी बेटा, 1.1 में यहां साइड में लिख देता हूं। एक्सरसाइज कौन सी है, 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 में दो क्वेश्चन थे जिसका हम लोगों ने क्या निकाल लिया बच्चों, SCF निकाल लिया था। ठीक, अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, तो बेटा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, शो दैट, आपको क्या करना है बच्चों, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब कि आपको ये दिखाइए, बोला दर्शाइए कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है बताइए, आपका होगा 1, 3 है ना, 5, 7, 9 चलता हुआ चला जाएगा, यही है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। बोल क्या रहा है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, वो किस रूप का होता है, 6q+1 या और 6q+3 और 6q+5, इस फॉर्म का होता है, आपको दिखाना है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, जहां क्यू क्या है, कोई इंटीजर है। समझ के बात को, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए बेटा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9 यही होता है। अब आपको देखो 6 से आपको डिवाइड करना है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है बच्चा कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर पढ़ रखा है आप लोगों ने। ठीक है, प्लस रिमाइंडर, तो यहां पर जरा देखिए 6q, ठीक है ना, 6q+3 मतलब 6q+1, 6 से आपसे क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो आपका डिविडेंड होगा किसको डिवाइड किया गया, इसको 1 को, तो डिविडेंड आपका 1। तो देखिए मैं आपको एक बात करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्या कर दिखा रहा हूँ, एक बात है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बातचीत करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि 1 को हमने किससे डिवाइड किया बेटा, 6 से, कितनी टाइम्स आएगा बताइए, 6 से डिवाइड किया, 1 को हमने किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, अब बताइए कितनी बार जाएगा, 0 बार, कितना आएगा यहाँ पे, 0। तो यहाँ क्या 1 में से 0 का क्या बचता है बच्चों, 1 है ना, क्या बचता है, 1, सिंपल सी बात है, 1 बचा ना। अरे भाई 6 को 1 से डिवाइड करोगे, एक बार भी नहीं जाएगा, कितना जाएगा, 0 बार, तो 0 का मल्टीप्लाई 6 में 0 आया, रिमाइंडर कितना आया, 1। अगर आप 6 को किससे डिवाइड करोगे, 2 को किससे डिवाइड करो, 6 से, 3 को कितनी बार जाएगा, 0 टाइम्स, फिर यहाँ 0, कितना रिमाइंडर बच गया, 3। ठीक है, फिर आप क्या करिए, 6 से किसको डिवाइड करिए, 5 को, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 0 टाइम्स, फिर 0 आ गया, कितना रिमाइंडर बच गया, 5। फिर आप किसको डिवाइड करिए बच्चों, 7 को डिवाइड करिए, किससे, 6 से, तो क्या हो जाएगा, 6 × 1 = 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो आप देख पा रहे हैं एक बात, आप क्या करिए, 9 को डिवाइड करिए 6 से, तो 6 × 1 = 6 कितना हो गया, 3। तो आप देख क्या पा रहे हैं, आप जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो सबको देखिए आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, ऐसे रिपीट करता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझते हैं बच्चों, इसका मतलब यह है कि डिविडेंड कौन है यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू डिवाइजर कौन है, 6, कोशेंट कितना है, 0, और प्लस रिमाइंडर कितना है, 1, ऐसे लिख दिया। डिविडेंड कौन है यहाँ पे बताइए, 3 इज इक्वल टू डिवाइजर 6, ये 0 + 3 है ना, सिंपल सी बात है, यहाँ उसके बाद 5 है डिविडेंड, तो 6 × 0 + 5 हो गया। ठीक, फिर कौन है डिविडेंड, 7, देख पा रहे सबको, 7 है डिविडेंड, 7 है, अब देखिए डिवाइजर कौन है, 6, अब कोशेंट कितना है बेटा, 1 है ना, अब प्लस रिमाइंडर कितना है आपका, 1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका, 5 है ना, 7 के बाद क्या होगा, 9, ऐसे चलते हुए आप क्या चलते हुए बेटा आप चले जाएंगे। ठीक है, तो आप देख क्या पा रहे हैं, हमारा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर यही है, क्या है बच्चा, तो हमारा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मैं यहां लिख देता हूं, जो हमारा क्या है, पॉजिटिव
पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो किस फॉर्मेट का है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है किस फॉर्मेट का है बेटा, वो है आपका 6 इंटू, अब देखिए 0001 ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q, अब प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका R, रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चों R हो जाएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक। रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका यहां पर क्या हो जाएगा आद में R हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चों R हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बात को समझ के चल सकते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप, तो R की वैल्यू देखो यहां पर आप देखेंगे तो 135 ऐसे चल रही है ना, तो यही चीज हमारा हो जाएगा यहां पे 6Q+1 है ना, क्या है आपका 6Q+3 है, ठीक है, क्या है आपका 6Q+5 है, इसी फॉर्मेट का दिख रहा है आपको। हम यहाँ और लगा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं और ऐसे रिपीटिशन चलता चला जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा, वेयर यहाँ मैं लिखता हूँ वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्यू क्या है बच्चों कोई इंटीजर है, ठीक है, क्यू इज सम इंटीजर, क्यू क्या है हमारा कोई इंटीजर है, बात समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, बात करके चलनी है, तो आप इस तरीके से प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसको क्या कर लीजिए लिख लीजिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी बातें मैंने आपको समझा दी, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे सभी कह रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन क्या है लेंदी है, आप अपने बुक्स में देख लेंगे, मैं वैसे भी पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन इज सेइंग दैट एन आर्मी कॉन्टिजेंट, आर्मी की क्या है बेटा एक कॉन्टिजेंट है ऑफ 616 मेंबर्स, जिसमें कितने मेंबर्स हैं बच्चों 616 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, जिसको क्या करना है एक आर्मी का जो बैंड होता है ना आर्मी वालों का, उसका जो बैंड है जो बाजा वगैरह बजाते हैं ना बैंड है ना, उनके आगे क्या करना है मार्च करना है। जैसे आप 26 जनवरी को देखते हैं रिपब्लिक डे पर है ना, राजपथ पर आप देखते हैं ना आर्मी का बैंड ऐसे ऐसे करके बजाते रहते हैं और वो आगे चलते रहते हैं, पीछे आर्मी का कॉन्वॉय आता रहता है कॉन्टिजेंट, ठीक है वही वाला कहानी है। तो बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, क्या करना है 32 मेंबर्स हैं परेड में उनको चलना है पीछे पीछे, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, अब देखो दो ग्रुप्स बना करके उनको क्या करना है मार्च करना है, लेकिन जो दो ग्रुप बनेंगे उनमें दोनों में सेम कॉलम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चों सेम कॉलम, जैसे 4 की कॉलम इधर है दो ग्रुप बना लिए, मान लो ग्रुप ए हो गया ग्रुप बी, तो ग्रुप ए में 4 कॉलम तो ग्रुप बी में कितने कॉलम होने चाहिए 4, ठीक। आगे क्या बात कह रहा है, वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो बताइए ऐसे कितने मैक्सिमम कॉलम हो सकते हैं जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक दो दो ग्रुप बना करके, तो आइए देखते हैं बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बोला है, तो HCF में भी आप क्या करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अधिकतम यानी मैक्सिमम निकालते हैं, मैक्सिमम कॉमन नंबर कौन है, तो सिंपल सी बात है यहां भी क्या करते हैं आप, यहां भी बोला है क्या मैक्सिमम, तो सिंपल सी बात है बेटा यहां क्या करेंगे हम लोग HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चा HCF, तो HCF ऑफ, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख देंगे बेटा HCF किसका 616 एंड 32 का, ठीक है 616 और 32 का हम क्या निकालेंगे HCL विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, विल टेल अस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो आइए बेटा HCF निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है क्या निकालते हैं बेटा HCF निकालते हैं, देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आप निकाल सकते हैं,
आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं एज योर विश। तो हम निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, हम कैसे निकालेंगे, बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा। ठीक है, क्या कहता है ये, यही कहता है ना बच्चों कि जो बड़ा है 616 इज ग्रेटर देन व्हाट 32। तो 32 से क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। चलिए एक मिनट बच्चों, है ना, बातचीत करते हैं अभी थोड़ा सा, मार्कर को भी प्यास लग गई है। हाँ देखिए तो बेटा क्या करेंगे, 32 से 616 को डिवाइड करते हैं। तो देखो 32 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, वन टाइम, 32 टाइम्स, तो 11 टू गया 9 और यहाँ 5 में 3 गया 1 और यहाँ गया कितना 16, 196। अब कितनी बार जाएगा जल्दी बताइए, अब कितनी बार जाएगा बच्चों जल्दी बताइए, डिवाइड करिए फटाफट। 9 times जाएगा, तो 9 2 जा 18 कैरी हुआ 1, 9 3 जा कितना होगा बेटा, 11 2 गया 9 और 9 हो जाएगा यहाँ बचा कितना, 5 3 गया 2 आएगा, एग्जैक्टली 2 आएगा। 9 times जाएगा तो 27 हो जाएगा, 28। देखो 9 2 जा 18 कैरी हुआ 1, 9 3 जा 27 और 1 28, 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 8 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डिविडेंड 616 इज इक्वल टू व्हाट 32 डिवाइजर इनटू कोशेंट 19 प्लस रिमाइंडर कितना है 8। तो हियर आवर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन वी चूज डिवाइजर एंड रिमाइंडर। हम क्या चूज करेंगे बच्चों, डिवाइजर और रिमाइंडर को चूज करके चलेंगे। तो 32 इज ग्रेटर देन व्हाट 8, तो 8 से क्या करते हैं बच्चा, डिवाइड करते हैं 32 को, तो कितनी बार गया 4 टाइम्स, रिमाइंडर क्या गया 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या है बच्चों 0 के इक्वल है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो उस समय फिर डिवाइजर होगा जब रिमाइंडर 0 होता है, तो मैंने आपको बताया था फिर डिवाइजर जो 8 होगा वो आपको क्या हो जाएगा, HCF, therefore HCF of 616 and 32 is 8, यानी यही है आपका आंसर, यानी कि 8 कॉलम बना सकते हैं वो लोग। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बना सकते हैं वो लोग, 8 बना सकते हैं आर्मी कॉन्टिजेंट। ठीक है, तो बच्चा आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब सारी बातें, तो वीडियो पॉज करके इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए बच्चों हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट, देखिए 4 इज सेइंग दैट यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपसे क्या बोला है बच्चों, Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer. अब बोला Euclid division lemma का use करके आप बताइए
कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m, बोला किस फॉर्म का, 3m और 3m प्लस 1, है ना, फॉर सम इंटीजर m, बोला है फॉर सम इंटीजर m, ठीक है बच्चों। तो आइए हम इस बात को क्या करते हैं, समझ के चलते हैं क्या है कहानी यहां की, ठीक है। देखिए बोला है कि एनी पॉजिटिव और मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, वो तो किस फॉर्म का होगा, 3m या 3m प्लस 1, जहां पे m क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं। तो बेटा हम लेट कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन में देखिए क्या करते हैं कि सपोज दैट लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम क्या लेट रहते हैं बच्चों कि x क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, ये जो मैं क्वेश्चन फोर्थ बता रहा हूं, फिफ्थ नंबर आपको हूबहू करना है, बसरते वहां पर क्या बोल रखा है, क्यूब बोल रखा है, यहां पर क्या बोल रखा है, स्क्वायर बोल रखा है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे हम स्क्वायर करेंगे ना, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपको बस वहां पर क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, ठीक। तो उसको ही सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी मेथड से, तो वो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, इसलिए बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन नंबर फोर को बहुत ही ध्यान से समझ के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्क्वायर कर रहे हैं, वहां क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, गॉट इट। आइए चलते हैं, इसलिए खूब अच्छे समझिए बच्चों इसे, ठीक। तो चल कोई पॉजिटिव और इंटीजर है तो एक्स को किससे डिवाइड करना है, देखो यहां पर डिविडेंड डिवाइजर कौन है, थ्री है, तो किससे डिवाइड करोगे, थ्री से। सपोज दैट थ्री से आपने एक्स को डिवाइड किया, कोई क्वोशेंट आपको मिल गया क्यू, क्या मिल गया, क्यू, और सपोज दैट रिमाइंडर आपको मिल गया, क्या कुछ भी मिल जाएगा आपको, है ना, मिल गया कितना, आर। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे थ्री क्यू, मल्टीप्लाई करोगे भाई इसके साथ थ्री क्यू, और रिमाइंडर कितना मिल गया, आर, ये मिल गया भाई, यही होगा, जहां क्यू क्या है, सम इंटीजर, क्यू क्या है बच्चों, कोई इंटीजर है। तो हम बोल सकते हैं डिविडेंड एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट थ्री क्यू, अब प्लस क्या होगा, रिमाइंडर, है ना। तो जो आपका रिमाइंडर होगा बच्चों वो क्या होगा, थ्री से छोटा या जीरो से बड़ा या उसके इक्वल, यही होता है यूक्लिड डिविजन लेमा, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, थ्री से छोटा होगा, फिर जीरो से, जीरो या जीरो से बड़ा। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, जल्दी बताइए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या हो सकता है, जीरो, वन और टू, बताइए क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, और क्या हो सकता है, टू, क्योंकि थ्री हमें लेना नहीं है। तो आइए बच्चों हम लोग सीखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू, पहले हम क्या लिखेंगे, r की वैल्यू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, थ्री क्यू, आर की वैल्यू क्या लोगे, जीरो, तो प्लस जीरो, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू थ्री क्यू, पहला मिल गया, दूसरा को क्या रखना है, वन, तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस में वन, तीसरा क्या रखना है आपको, टू, तो आप क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस में टू, खत्म कहानी, अब आर ले नहीं सकते। तो जो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स आए हैं, इनका हम क्या करें, स्क्वायर करें, तो वो किस फॉर्म के मिले, इस फॉर्म के होते हैं, आपको क्या करना है, शो करना है। तो देखिए, देख लेते हैं भाई, ठीक। तो देखिए बच्चा सिंपल सी बात है, देखिए तो ये रहा आपका पहला इक्वेशन, ये रहा आपका दूसरा, ये रहा आपका तीसरा। अब क्या करते हैं, स्क्वायर करके देख लेते हैं इस फॉर्म के मिलते हैं कि नहीं, जो फॉर्म लिखे हैं 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म के, ठीक है। तो आइए बेटा स्क्वायर करते हैं हम लोग, देखिए तो चलिए x इज इक्वल टू थ्री क्यू, इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बेटा, एक बात बोल सकते हैं, x का स्क्वायर इक्वल टू थ्री का स्क्वायर करोगे तो 9, यहाँ हो गया q का स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री क्यू का स्क्वायर, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल गया, q क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वेयर क्यू इज इंटीजर, यहां बोल सकते हैं वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्या है बच्चों, सम इंटीजर, कोई क्या है, इंटीजर है। तो आप इस बात को क्या करेंगे, ध्यान में रख के रखेंगे, है ना, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो बताइए जरा सा, इसको हम इस फॉर्म में 3 इंटू 3 कर सकते हैं 9 को, और 3 क्यू का स्क्वायर कर दिए, अब बताओ 3 क्या है हमारा इंटीजर, क्यू भी क्या है, यहां बताया मैंने इंटीजर, तो इंटीजर का स्क्वायर भी क्या मिलेगा, इंटीजर, और उससे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो भी क्या होगा, इंटीजर,
यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, इंटीजर। यहाँ पे हमने इसको क्या लेट कर लिया, m, क्योंकि m भी क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए लिखा है ना सम इंटीजर m, तो ये भी क्या है आपका इंटीजर ही तो है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, है ना, इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए स्क्वायर किया है 3m के फॉर्म का आ गया, ये देखिए। ठीक, अभी हम आपको एक स्टेप और करके दिखाते हैं। ये देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड का हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर करेंगे। सेकेंड का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1, क्योंकि सबका बोला है कि स्क्वायर आपको इसी फॉर्म का मिलेगा। हमने कहा चलो ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर स्क्वायर ओपन करते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6 q इंटू 1 इंटू 1, तो 1 का करोगे तो 1 ही मिलता है ना। तो देखो क्यू क्यू को साथ में रख लेते हैं बेटा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q, और प्लस 1 का स्क्वायर क्या मिलता है 1। ठीक है, तो अब मुझको बताओ यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन है। देखो क्यू भी कॉमन, लेकिन क्यू लेने का बाहर लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 3 जा 9, भाई 3 कॉमन है तो हम एक ही चीज़ ले रहे हैं, और क्या, 3 9 हो गया 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, ये देखिए, और यहाँ हमने लिख दिया प्लस 1। तो अब आप मुझको एक बात बताइए बच्चों कि देखिए क्यू भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर और 3 इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, इंटीजर में कोई आप इंटीजर ऐड करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा, तो जो ब्रैकेट में हमने लिखा है वो भी क्या है, इंटीजर ही है। तो यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, m बोल सकते हैं, क्योंकि m भी क्या है, क्वेश्चन में खुद बोल रखा है कि m इज ऑल्सो इंटीजर और ये भी इंटीजर, तो इंटीजर इंटीजर क्या हो गया आपके सेम। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3m प्लस 1, ये देखिए 3m प्लस 1 है कि नहीं है, तो आप बोल सकते हैं बेटा, तो तीसरे को फिर करोगे फिर से आपको यही मिलेगा, तो तीसरे करने कोई जरूरत नहीं है। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि हमारा जो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है जैसे 1 2 3 है, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो किस फॉर्म का मिलेगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का मिलेगा। बात समझ गए, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना होता है, गॉट इट। और क्यूब वाले में जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्यूब वाले में भी आपको इसी तरह काम करना है, बस आपको ये लिखने के बाद यहाँ क्या कर देना है, क्यूब स्क्वायर जगह क्या करना है बच्चों, क्यूब कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करते हैं, तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, 5 नंबर आपका होमवर्क हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, सारी बातें हम लोग वहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, और वीडियो देखते रहिए लगातार, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स में, ताकि इस वीडियो फ्री वीडियो लेक्चर का मैक्सिमम बच्चे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच।